हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने लैपटॉप में जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है वो अगर आपके सही नहीं आ रहा, आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा, तो आप उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर वो MM जो मंथ होता है वो पहले आ रहा है और डेट बाद में आ रही है, और आपको चाहिए कि डेट पहले और मंथ बाद में आए, तो वो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो इस वीडियो में यही सब कुछ है। और मैं सब तरीके से बताऊंगा, दो तीन एडिशनल चीज़ें ही बताऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको चेंज कर पाएं अगर आपके चेंज नहीं हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, छोटा सा वीडियो, और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डेट एंड टाइम ये देखें, मेरे क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि 5/14/2024, मतलब कि जो डेट है वो 14 है और जो मंथ है वो 5 है, 14 मई 2024। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे आज मैं यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन इसके बाद जो विंडो ओपन हुई है इसमें सेकंड नंबर पे है एडजस्ट डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे। देन एक ये विंडो ओपन हुई है, इसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद वापस से एडिशनल डेट टाइम रीजनल सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे रीजन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक विंडो ओपन होके आई है। अब सब कुछ खेल इसी विंडो में है और यहीं से अपन सेटिंग करेंगे। तो इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पे जो डेट आ रही है MM DD YY YY, तो इसके अंदर अपन चेक करेंगे तो अपन को जिस तरीके के जिस फॉर्मेट में चाहिए, अगर उस फॉर्मेट में शो कर रहा है तब तो सही है, अगर उस फॉर्मेट में शो नहीं कर रहा तो फिर क्या करना है। यहाँ पे अपन को डेट पहले चाहिए, मंथ बाद में चाहिए और फिर ईयर चाहिए। ये एक फॉर्मेट आ रहा है DD MM M और YY, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और देन अप्लाई करते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होता है। इसको करने के बाद यहाँ पे आ रहा 14 मई 24, मतलब आपको इस फॉर्मेट में चाहिए कि जो मंथ है वो बीच में इस तरीके से लिखा है, मई जनवरी फरवरी या फिर है ना मार्च के अंदर, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो आता है तो उस फॉर्मेट में आए, 3 करेक्टर्स के अंदर जो मंथ आ रहा है वो आना चाहिए बीच में और जो डेट है वो पहले आ जाए, तो इसमें भी चाहिए। कई लोगों को इसी फॉर्मेट में चाहिए होता है, तो इस फॉर्मेट में बहुत इजीली यहाँ पे से चेंज करेंगे, इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे DD MM M और YY और अप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए कि डेट और डेट के बाद MM, मतलब मंथ 2 करेक्टर्स में चाहिए, वो भी न्यूमेरिक चाहिए, और जो जो ईयर चाहिए वो पूरा चाहिए, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हो रखा है फॉर्मेट के अंदर, ये US के अंदर इस तरीके से चलता है, इसलिए अपन यहाँ पे इंग्लिश इंडिया कर देंगे और ये इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया। देन इंग्लिश इंडिया करते ही यहाँ पे जो अपना फॉर्मेट है वो शो होने लग गया है, जो अपन को चाहिए वो शो होने लग गए हैं, क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं और इंडिया में डेट पहले बोली जाती है और मंथ बाद में बोला जाता है, तो उस हिसाब से ये सारे फॉर्मेट हैं। DD वाले फॉर्मेट सारे इसमें दिए हुए हैं, DD MM YY YY, ये चारों वाले फॉर्मेट है, DD MM YY वाला फॉर्मेट भी है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके, मैं जैसे अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद यहाँ देखता हूँ तो 14/5/2024 जो अपन को फॉर्मेट चाहिए था वो फॉर्मेट आ चुका है। और लॉन्ग के अंदर ये यहाँ पे ट्यूजडे भी दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्यूजडे भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग फॉर्मेट वाली जो है वो भी है इसके अंदर। फिर भी मान लो ये सब कुछ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, फिर भी आप जो चाहते हो वो चेंज नहीं हो रहा, आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, तो आप क्या करोगे, एडिशनल सेटिंग में जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसमें शो वही हो रहा है, लेकिन आप अपने यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने बैक स्पेस मार दिया, डिलीट कर दिया सारे के सारा, और इसके अंदर यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है DDD का मतलब डेट, और DDD का मतलब डेट ऑफ वीक, M का मतलब मंथ, Y का मतलब ईयर, तो आप इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसके डेस्क की जगह उसको बैक स्लेस में, वो स्लेस जो आता है वो बीच में वो डालना है, तो मैं यहाँ पे DD लिखूंगा, स्लेस MM स्लेस फिर YY YY, तो अब ये देश की जगह स्लेस आएगा। देखो अप्लाई मैंने कर दिया और यहाँ पे DD MM YY के बीच में स्लेस आ रहा है, पहले डेस आ रहा था अब स्लेस आ रहा है, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। मैं चेंज करना चाहता हूँ कि MM MM/DD/YY YY, तो अब देखना दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आएगा मई 14/2024। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो अपन तो वही फॉर्मेट कर देते हैं जो अपन को करना है, DD MM YY वाला, तो मैं यहाँ पे से इजी ले लूँगा
डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है, अप्लाई देन ओके, और अपन जो चाहते थे वो फॉर्मेट में चेंज हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप जिस फॉर्मेट में चाहते हो उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, और एडिशनल सेटिंग्स भी बता दिए, आपकी इच्छा के अनुसार भी चेंज कर सकते हो, और जो अपन को चाहिए नॉर्मली उस हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।